रमेश मौर्य, आपको आज हम फिगर ऑफ स्पीच की कड़ी में ऑक्सीमोरॉन अलंकार बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम अलंकार की पांच अलंकार के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी आदि अलंकार देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीमोरॉन अलंकार। ऑक्सीमोरॉन का क्या अर्थ होता है? विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अलंकार है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और बहुत ही सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है यह अलंकार। तो ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। विरोधाभास अलंकार एक ऐसा अलंकार है। आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते रहिए जब तक मैं समझाऊं। तो ऑक्सीमोरॉन माने विरोधाभास अलंकार इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज दो विपरीत गुण ऑफ द थिंग्स वस्तुओं के, जिसमें वस्तुओं के दो विपरीत गुण, अपोजिट में विपरीत या विरोधी, वस्तुओं के किसी भी चीज के किसी भी वस्तुओं के दो विरोधी गुण आर पुट टुगेदर एक साथ रखे जाते हैं, पुट मींस रखना। तो ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, विरोधाभास अलंकार एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ द थिंग्स, जिसमें वस्तुओं के दो विरोधी गुण आर पुट टुगेदर एक साथ रख दिए जाते हैं। तो विरोधाभास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें वस्तुओं के दो विरोधी गुण एक साथ रखे जाते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ द थिंग्स आर पुट टुगेदर। तो चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा होता है। अब देखिए इसमें क्या है, विरोधी गुण मिला है बिटर कड़वा, फिर स्वीट माने मीठा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, अपोजिट क्वालिटी है। तो आपको एक बात यह भी इसमें ध्यान देना है कि इसमें एक दूसरे के अपोजिट वर्ड मिलेंगे। पहचानने की ट्रिक क्या है, कोई भी वाक्य पढ़िए, उसमें अगर अपोजिट वर्ड दो मिल रहे हैं तो उसमें बता दीजिए कौन सा लगा ऑक्सीमोरॉन। जैसे देखिए बिटर स्वीट, तो लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा और मीठा होता है, बिटर भी बताया जा रहा है, स्वीट भी बताया जा रहा है। तो बिटर स्वीट में कैसा लगा है, ऑक्सीमोरॉन लगा है। अगला एग्जाम्पल है, हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। तो हैविंग नथिंग, हैविंग इस पास में होना, नथिंग कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं होता है, ही है था उसके पास सब कुछ होता है, मतलब हैविंग नथिंग ही है था उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। ये करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो पोयम है इंटरमीडिएट के पहला पोयम, उसी की लास्ट लाइन है, हैविंग नथिंग ही है ऑल। तो यहां क्या, एक बार बताया नथिंग, एक बार बताया गया है ऑल, बिटर स्वीट इसके ऊपर वाले में, तो नथिंग और आल में क्या है, कुछ नहीं सब कुछ, नथिंग माने कुछ नहीं, आल माने सब कुछ, तो अपोजिट मिल रहे हैं वर्ड, इसमें कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरॉन। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से इरेगुलर अनियमित है। अब बताइए नियमित रूप से अनियमित है, तो नियमित रूप से क्या है आपका, रेगुलरली इरेगुलर अनियमित है, तो एक दूसरे का अपोजिट हुए नहीं, नियमित रूप से, एक बार नियमित भी बताया जा रहा है, अनियमित भी बताया जा रहा है। तो वैसे तो आपको पढ़ने में एक गलत भी लग सकता है कि क्या अर्थ निकल रहा है नियमित रूप से अनियमित, इसका क्या मतलब, लेकिन आप गहराई से पढ़ेंगे तो अलंकारिक भाषा है तो आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे शब्द में जैसे वह नियमित रूप से अनियमित है, कहने का मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है क्लास में आ रहा है बहुत दिन से नहीं आ रहा, तो नियमित अब नहीं आ रहा है बहुत दिन से, अगर नहीं आ रहा है तो नियमित रूप से क्या है, अनियमित, आने का क्रम उसका क्या है, अनियमित है, अगर आ रहा है तो रेगुलर आ रहा है। तो ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, वह महसूस कर रही है स्वीट पेन माने मीठा दर्द, वह मीठा दर्द महसूस कर रही है, तो मतलब इधर दर्द भी बताया जा रहा है, इधर मिठास भी बताया जा रहा है, मतलब मिठास मतलब अच्छा महसूस कर रहे, और स्वीट मतलब पेन मतलब दर्द, दर्द में अच्छा नहीं महसूस होगा। तो यहाँ स्वीट पेन ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट क्वालिटीज है, इसलिए इसमें कौन सा लगा है, विरोधाभास।
ऑक्सीमोरन। अगला है ही वाज आइडली बिजी, वह आइडली माने, आइडल माने क्या होता है, सुस्त, बिजी माने व्यस्त, वह सुस्त होते हुए क्या है, व्यस्त। अब बताइए वह सुस्त भी है व्यस्त भी है, दोनों बताए जाते हैं, दूसरे के विपरीत गुण रहा है ना, तो क्या है ऑक्सीमोरन लगता है। क्यों, क्योंकि आइडल सुस्त है बिजी, आपको लगता क्या अर्थ लिख दिए हैं, लेकिन कभी लोग लिखे हैं जो गलत नहीं लिखे, आइडली बिजी का गहराई से अर्थ समझेंगे तो उसका मतलब ये निकल गया कोई आदमी काम तो कर रहा है, बिजी तो है अपने काम में, लेकिन बहुत सुस्त है, मतलब धीरे धीरे कर रहा है। इस तरह से इसका सेंस समझ के आपको अर्थ निकालना पड़ता है। जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल, जेम्स फर्स्ट, इसको आई नहीं पढ़ा जाएगा, जेम्स फर्स्ट पढ़ा जाएगा, जेम्स प्रथम इसकी हिंदी होगी, जेम्स प्रथम राजा था, किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का। तो जेम्स प्रथम वाज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट माने सबसे अधिक बुद्धिमान, फूल माने मूर्ख, जेम्स प्रथम सबसे अधिक बुद्धिमान मूर्ख था, ऐसा राजा उसको बताया जा रहा है। अब यहां से एक बताया जा रहा है सबसे अधिक बुद्धिमान, फिर बताया जा रहा है मूर्ख, अब बुद्धिमान भी बताया जा रहा है, मूर्ख भी बताया जा रहा है, तो कौन सा लगा होगा, ऑक्सीमोरन, ठीक है, अपोजिट क्वालिटी बताया जा रहा है, मतलब बुद्धिमान भी था लेकिन उसके अंदर कुछ मूर्खता भी थी, बुद्धिमान मूर्खता दोनों थी, तो सबसे अधिक बुद्धिमान मूर्ख था। तो होते हैं कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो गलती हमेशा करते रहते, तो लोग कहते हैं गाँव कि पढ़ा लिखा बेवकूफ है, तो मतलब वही वाइजेस्ट फूल है। तो सी इज माई स्वीटेस्ट पेन एनिमी, अगला है सी इज वह है माई, मेरा स्वीटेस्ट एनिमी, मधुरतम, एनिमी माने दुश्मन, स्वीटेस्ट माने मधुरतम या सबसे मीठा दुश्मन है, मधुरतम दुश्मन है। अभी कोई किसी का बहुत मधुर रहेगा तो अच्छा इंसान रहे उसके लिए, लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंडली रहेगा, स्वीटेस्ट मतलब फ्रेंडली, अब एनिमी माने दुश्मन, अब मधुरतम दुश्मन है, तो एक अपोजिट पार्टी हो गया। अब इसके पहले देखिए वाइजेस्ट फूल अपोजिट पार्टी, आइडली बिजी अपोजिट पार्टी, सारे वाक्य में अपोजिट पार्टी मिल रहा है, उसमें ऑक्सीमोरन अलंकार है। अगला अलंकार ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है, कैसा अपराधी है, निर्दोष अपराधी है। अब देखिए एक बार उसको निर्दोष बताया जा रहा है, फिर क्रिमिनल माने अपराधी, तो निर्दोष भी है अपराधी भी है, इस तरह से इसमें कौन से क्वालिटी है, अपोजिट क्वालिटी दिया गया है, तो निर्दोष भी है अपराधी भी है। अब पढ़ने में लगता है अटपटा क्या है, कहने मतलब वो अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो जो है क्या जेल, कोई आदमी किसी जुर्म में चला ही गया है, तो कभी कभी होता है कि कोई हत्या कोई करता है लेकिन इल्जाम किसी पर लग जाता है, अब फिल्मों में देखते होंगे, तो वो क्या हो जाता है बेचारा, स्वीट इनोसेंट क्रिमिनल, निर्दोष अपराधी है, अपराधी भी है साबित हुआ लेकिन क्या है निर्दोष, दोनों बातें हैं, इस तरह से इसका अर्थ समझा जाता है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, द मोर माने जितना अधिक, हेस्ट माने जल्दी, जितना अधिक जल्दी होगी द लेस स्पीड उतना कम गति होगी। अब यहाँ अधिक जल्दी भी बताया जा रहा है, लेस स्पीड भी बताया जा रहा है, ठीक है, तो मोर हेस्ट लेस स्पीड, अब मोर का अपोजिट क्या है लेस, जल्दी का क्या है स्पीड, तो मोर का मोर माने अधिक, लेस मींस कम, तो ये दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो इसमें ऑक्सीमोरन अलग का, जितना ज्यादा जल्दी करोगे उतने कम स्पीड रहेगी, मान लीजिए कोई आदमी बहुत तेज जा रहा है कहीं लड़ गया एक्सीडेंट हो गया तो देर हो गया तो स्पीड कम हो गई, तब तो परेशान होकर चलना पड़ेगा उसको ना, लड़का के चलना पड़ेगा। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अब देखिए यहाँ क्या है, ओपन बताया जा रहा है, सीक्रेट बताया जा रहा है, दोनों में ऑक्सीमोरन अलंकार है, कैसे ओपन, रहस्य के मतलब कोई ऐसी चीज जिसको सब लोग ना जानते हो, लेकिन यहाँ क्या है खुला रहस्य है, तो उसको सब लोग जान रहे हैं एकदम खुला रहस्य है, तो इस तरह से इसमें कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरन अलंकार, समझ में आया। अब ओपन सीक्रेट एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, चलिए अगले अलंकार की तरफ चलिए अगला अलंकार देखते हैं, तो ऑनोमेटोपोइया पढ़ते हैं, तो ऑनोमेटोपोइया जो भी आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑनोमेटोपोइया तो ध्वनि सूचक अलंकार, तो ध्वनि सूचक अलंकार किसे कहते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग अलंकार है, इसमें बहुत सी ध्वनियों की बात किया जाएगा, तो कोई भी अलंकार होगा जिसमें ध्वनि की बात किया जाएगा तो ध्वनि सूचक अलंकार में आता है, देखते हैं एग्जाम डेफिनेशन पढ़ा दे लेते हैं।
ऑनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ध्वनि सूचक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें द साउंड ऑफ ए वर्ड किसी शब्द की आवाज सजेस्ट माने सुझाव दे देती है इट्स मीनिंग इसके अर्थ का मीनिंग विथ अर्थ या असर। तो ऑनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ध्वनि सूचक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें द साउंड ऑफ ए वर्ड किसी शब्द की आवाज एनी तो जिसमें किसी शब्द की आवाज सजेस्ट इट्स मीनिंग उसके अर्थ का सुझाव दे देती है। अब जैसे कोई भी आवाज होगी तो उससे मीनिंग मतलब मीनिंग अर्थ या मतलब उसका मतलब पता चल जाएगी यहां क्या चीज है। तो किसी भी चीज की आवाज वो अपने आशा दे देती है अपने अर्थ का सुझाव दे देती कि हम क्या है क्या मतलब है। तो जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ लेंगे। द कैट म्यूज बिल्ली म्याओ म्याओ करती है। अब बताए कहीं बिल्ली म्याओ म्याओ अगर कर रहे हैं तो अपना अर्थ बता देगी कि सुझाव दे देगी कि हाँ हम बिल्ली हैं यहाँ पर बिल्ली की साउंड आ रही है। एक बात ये भी जान लीजिए साउंड कोई भी हो ये नहीं कि बिल्ली की आवाज आदमी की आवाज या शेर की आवाज इतने ही आवाज किसी भी चीज की आवाज उस आवाज में बिल्ली की आवाज आदमी की आवाज हो सकती है घंटे की आवाज हो सकती है शेर की आवाज हो सकती है पक्षियों की आवाज हो सकती है मधुमक्खियों की आवाज हो सकती है। यानी कि दुनिया में कोई भी साउंड कोई भी वाक्य आप पढ़िएगा उसमें अगर साउंड की बात किया गया है तो आप तुरंत बता दीजिएगा ऑनोमेटोपोइया इज उसमें है अलंकार ऑनोमेटोपोइया अलंकार है उसमें ध्वनि सूचक अलंकार है। ध्वनि की बात यानी ट्रिक यही है आपकी ध्वनि की बात कहीं से मिलेगी ध्वनि कहा ध्वनि रहेगी उसकी आवाज की बात किया जाएगा तो तुरंत ध्वनि सूचक अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं द कैट म्यूज बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है म्यूज म्याऊं म्याऊं करना तो इसमें अलग ध्वनि होगी। आई हर्ड द वाटर मैंने पानी को सुना लैपिंग ऑन द क्रैक चट्टान क्रैक मींस चट्टान लैपिंग मींस छप छप करना तो मैंने चट्टान पर पानी के छप छप करने की आवाज को क्या किया सुना मैंने चट्टान पर पानी के छप छप करने की आवाज सुना। अगर चट्टान है वहां पानी गिर रहा है छप छप कर रहा है तो साउंड होगा ना तो जब साउंड होगा तो सीधी सी बात है इसमें कौन सा अलंकार होगा ध्वनि सूचक अलंकार ऑनोमेटोपोइया अलंकार होगा। अगला है एग्जांपल सोर्स माने तलवारें क्लैंक माने टकराए तलवारें एक दूसरे से टकराए एंड गन्स बूंड और बंदूकें बूंड माने गरजना या दागना और बंदूकें जो है गरजी या बंदूकें दागी गई तो सीधी सी बात तलवारें टकराएंगी और बंदूकें दागी जाएंगी तो क्या होगा साउंड होगा तो साउंड होगा तो साउंड से रिलेटेड अलंकार क्या है ऑनोमेटोपोइया। अगला है द डोर ओपेंड दरवाजा खुला विथ ए बैंग बैंग इज धाएं या धड़ाम की आवाज धाएं की आवाज या धड़ाम की आवाज दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला या धाएं की आवाज के साथ खुला अगर दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुलेगा तो आवाज होगी ना इस बात है। अगला एग्जाम्पल है आई बबल ऑन द पेबल्स मैं बबल माने बुलबुले उठने की आवाज को सुना ऑन द पेबल्स माने कंकड़ों पर पेबल्स मींस कंकड़ मैं कंकड़ों पर जो है पानी का जो बुलबुला गिरता है तो साउंड होती है ना तो वही आवाज को सुना तो मैं कंकड़ों पर बबल की पानी के गिरने से जो बुलबुला उठता है उसके कलकल की आवाज को क्या किया सुना सुनता हूँ तो ये क्या है इसमें ध्वनि की बात किया जा रहा है कंकड़ पर अगर बुलबुले होंगे तो कब होंगे तो उससे साउंड होगा ही पानी गिरने पर बुलबुले होते हैं साउंड होता है इसमें ध्वनि सूचक अलंकार। अगला है द स्नेक्स आर हिसिंग स्नेक्स माने सांप आर हिसिंग हिसिंग माने फुसकार मारना सांप की आवाज को हिस कहते हैं फुसकार मारना सांप फुसकार मार रहे हैं एंड बीज आर बजिंग और मधुमक्खियां बजिंग मींस भनभनाना या गुनगुनाना मधुमक्खियां भनभना रहे हैं सांप फुसकार मारा फुसकार मारते हैं किट 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 की आवाज करते हैं उसी को हिसिंग का साउंड कहते हैं तो सांप फुसकार मार रहे हैं और मधुमक्खियां बजिंग मतलब भनभना रहे हैं तो सीधी सी बात है तो सांप फुसकार मारेगा कहीं तो आवाज होगी सांप की तो उसमें अलंकार होगा ध्वनि सूचक और मधुमक्खियां अगर भनभना रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा आवाज ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा।
अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग जिनको भी फिगर ऑफ स्पीच को लेकर कंफ्यूजन हो दूर हो सके। और इस तरह से चैनल से जुड़े रहे और आगे आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और भी अलंकार से रिलेटेड या कोई भी और भी टॉपिक जो है सब अपलोड होते रहेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।